जनपद मिर्जापुर सिटी कोतवाली की देखी जा रही है लापरवाही। नार घाट मलाही टोला सिटी कोतवाली के अंतर्गत एक लड़का एक लड़की प्रेम विवाह कर लड़की के घर रह रहे थे, जिसमें लड़की के भाई नीरज व उनके सहयोगी भाइयों ने लड़के के घर पर जाकर मारने पीटने लगे। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लोगों को चोटें आई हैं, जो कि आज दूसरा दिन है, पर मिर्जापुर की सिटी कोतवाली पुलिस अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ रफीक खान की खास रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। हमारा नाम राहुल है, नारघाट के रहने वाले हैं, मलाई टोला में रहते हैं। कल के डेट में कल 11:30 बज रहा था, 11 बजे बात है, 11 बजे की बात था। खाना वाना बना रहे थे, उसने घर में घुस के हम लोग के हमारे लड़के पर हमला किया। उसने लड़के को बचाने के चक्कर में हमारे गले पर चाकू मार दिया, मंगलसूत्र सब टूट गया है। और ये लोग बचाने आए, ये लोग घर में हील के मारे, ये सब हमको घर में हील के मारे। अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ, अभी तक हमारे घर वैसे ही खून चक्कर खून फैला है। आपका कौन सा थाना लगाता है? सिटी कोतवाली है। आप सिटी कोतवाली कितने बजे गए थे कल? हम कल साहब इन लोग का फरार थे, खून से लथपथ थे, इन लोग को थाने पर लेके गए थे। लोग गए थाने वाले, हम लोग को भगा कराइए, थाने वाले हम लोग को भगा दिए थे। कह रहे थे तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम लोग का कोई नहीं कुछ होगा, जाओ पहले इसका सुई दवाई करो। जब सुई दवाई करके आए तो देखिए चाकू से वार हुआ है, पेशकश से वार हुआ है, सब चीज से वार हुआ है, कोई चीज का सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई चीज का थाने पे थाने पे जो अफसर थे, जो पुलिस अधिकारी थे, उनका नाम पता है आपको? उनको नाम नहीं पता है। जो पुलिस अधीक्षक, जो भी पुलिस आपको भगाई थी थाने से, उनका नाम आप बता सकते हैं? साहब अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं, हम डर गए रात को। देखिए आप बता रहे हैं आपको जनता के थ्रू क्लेम का कार्रवाई नहीं किए हैं। क्या नाम था पुलिस का जो आपको भगा दिए थे? रविंद्र प्रसाद यादव उनका नाम है। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा कि जाइए, हम आपका इंक्वायरी लिख लिए हैं, आपके पास पुलिस जाएगा। नहीं पुलिस आया, नहीं कोई आया, उन्हें कोई इंक्वायरी भी नहीं हुआ। अब घर में ऐसे पूरा चित्र पड़ा हुआ था, रात में आया लड़का, वो धमकी फिर दोबारा देके गया। वो लोग फिर आए थे आपको धमकी देने? फिर आए थे लोग, धमकी देके गए, मारने के लिए लोग को मार के और जबरदस्ती पिटा मार पीट के करके चले गए। उन लोगों का नाम और एड्रेस बता सकते हैं? जी हाँ, उनका नाम धीरज और नीरज है, और उनकी आशा नाम है, और बबलू नाम है, और वो मलैया टोला में रहते हैं नारघाट में। जो जानते हैं वो लोग नाम बताएं। सब खरी आदमी थे, लड़के थे। आप लोग नाम जानते हैं, आप लोग जिन्होंने मारा है उनका नाम और उनके पिता का नाम बताएं। नीरज नीरज सब धीरज। किस गांव के हैं ये लोग? मलाई टोला के हैं। टोला में रहते हैं हम लोग, गंगा जी की ओर ही रहते हैं। कौन सा थाना है? थाना कौन सा लगा था आपका? सिटी 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 कोतवाली, एक ही परिवार के। अभी तक प्रशासन से कोई मदद आपको मिली? सब पैसा भी हो गया, पैसा गिन दिए हैं। आजकल गुंडों का राजगीर चल रही है, हम लोग गरीबों के लिए छोटा सा कुड़ी। आप देख सकते हैं इन भाई को कितना चोट लगा है पैरों में। आपसे कौन पैसा लिया है बताइए? कहाँ से गिन के देंगे? आप देख सकते हैं कि खून से लथपथ है इनका अभी भी कपड़ा नीचे से। थोड़ा सा डोलिए थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कि आदमी को इतना मारे हैं, वार किए हैं कि डोल नहीं पा रहा है। लाठी डंडा दिखा रहे हैं, चप्पू लेकर चले, चप्पू। इतने छोटे छोटे बच्चे ने क्या किया है? क्या क्या मोदी सरकार बोलता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी क्या करता है ये सरकार? ये बच्चे लोगों को कहता है कि हमें फलान चीज कर देंगे, शरीर डाल देंगे, फाड़ देंगे। क्या करता है सरकार? कौन बोला है आपको ऐसे? नीरज ने बोला है। नीरज ने बोला है, हम लड़की को नहीं बंद करके हटते तो हमारी लड़की को खराब कर दिया जाता है। सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार क्या कर रहा है? मोदी सरकार क्या कर रहा है? आज के दिन सरकार पर यह जवाब उठता है कि प्रशासन किस तरह की देख रेख जनता की कर रही है। कितना घंटा हुआ आपका ये घटना हुए? कितना घंटा हुआ? 24 घंटा हो गया। 24 घंटा में आपको मदद नहीं मिला? नहीं मिली है। कोई प्रशासन हम लोग के पास नहीं आया गया है। हम लोग डर डर के रह रहे हैं। साथ में एक साल ही प्रशासन कह रही फोन करना चाहिए। फोन करे हम लोग
हम लोग ऊपर हो जाएगा तो फोन करेंगे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से रफीक खान की खास रिपोर्ट। जी आज आप पुलिस अधीक्षक आए हैं, क्या मामला है, किस लिए आए हैं? यार भैया रास्ता तो दे दो, मतलब मुंह के दर्शन भी बनना जरूरी है। पूरा भारत दूसरे में मजा बहुत होता है, तेज बोलिएगा। इन लोगों को चोट कैसे लगी? किस चीज से वार? ऐसा इसमें सब आ जाएगा, आपका ये फोन आएगा। इसका प्रार्थना पत्र आपने थाने में दिया? वहाँ से क्या कार्रवाई? पुलिस प्रशासन बोला यहाँ से तुम जाओ, पहले इसका मेडिकल कराओ। तो हमने गंजगंज कहा पहले हम चले मेडिकल करा के फिर आए, तो हम लोग को चूतिया की तरह बैठाया था। कौन बैठाया था? पुलिस ने बैठाया। कहाँ? सिटी कोतवाली। हाँ, सिटी कोतवाली में, मतलब सभी लोगों को बैठाया था। संतरा दे रहा था कि हो जाएगा, हमने लिखवाया था चक्कू से, पिचकस से और प्लास से, जिससे वो वार किया। चक्कू से हमारे लड़के को वार किया गया है, ये देख लीजिए, चक्कू से वार किया गया है, चक्कू से मेरी जेठानी को वार किया गया है। आप इधर देखिए, इधर उधर मत बताइए। ये मारने वाला व्यक्ति कौन है? मारने वाला व्यक्ति है लड़के का भाई है। किस लड़की का भाई? क्या रिश्तेदारी में आते हैं आपके? रिश्तेदारी में नहीं है ये, मतलब प्यार मोहब्बत करके तो चले गए हैं, लव मैरिज का ही मामला है। वो लड़का वाला, अरे लड़की वाला आके हमको मार के जा रहा है। ये लड़की कौन है? लड़की भी आई है वो? ये लड़की कौन है? ये लड़की, उसका नाम है रोशनी, शायद उसका नाम रोशनी नाम है। आपका क्या संबंध लड़की से? लड़की का कोई संबंध नहीं है साहब, मतलब वो दूसरे बिरादर से है, हम दूसरे बिरादर के पासी है और हम लोग मल्ला जाते हैं। दोनों ने प्रेम कर लिया, प्रेम करके और मैरिज करके सारे चले गए, दोनों लोग चले गए और हम सरकार से बस ये आप यहाँ पे आए हैं, आपको क्या आश्वासन मिला? क्या कहा गया? थाने पे बोल रहे कि भेज जाओ, थाने पे भेज रहे हैं। अब थाने वाले कहेगा तो घर जाओ, तो घर जाएंगे तो छुरी चाकू चलेगा, हम चले जाएंगे। किसने कहा? ESP ऑफिस से संतावना मिला आपको? कहा तो यहाँ से क्या लेटर वेटर दिए हैं, साइन करके दिए हैं कुछ आपको? लड़की को बुलाइए, जो लड़की आई है। लोगों का क्या मामला है आप लोगों का? हम लोग साथ रहते हैं, जब शादी कर लिए तब कौन साथ रहता है? जैसे हम लोग जब शादी अपने मर्जी से किए तब कौन साथ करता है? आपका नाम क्या है पहले ये बताएं? रोशनी। और आपने शादी किससे की है? हाँ, वरदान सहनी। वरदान सहनी कहाँ हैं? ये आपके साथ हैं? आप दोनों लव मैरिज किए हैं? कितने दिन से आप लोग दोनों का लव मैरिज है? नवंबर में। इसी? हाँ। अच्छा, आपके एज और इनके एज में तो काफ़ी फर्क है। अच्छा ठीक है, तो अब दिक्कतें क्या आ रही हैं? दिक्कत यही है कि मेरे घर वाले परेशान कर रहे हैं, मेरा भाई जैसे परेशान कर रहे हैं। आपके ससुराल वाले आपके साथ हैं? और कुछ पूछना? तो आप रहना चाह रही हैं साथ में? हाँ, साथ में रहना चाह रही हैं। लड़का आपको साथ रखना चाह रहा है ना?